73,138। ये गिनती उन बच्चों की है जो साल 2019 में मिसिंग हो गए थे। अकॉर्डिंग टू NCRB, इंडिया में हर 8 मिनट में एक बच्चा मिसिंग होता है। दिल दहला देने वाली बात है कि इन नंबर्स के पीछे वो हजारों मासूम चेहरे हैं जिनकी जिंदगी नर्क से भी बदतर बन चुकी है। क्या होता होगा इन बच्चों का जिनके आगे उनकी पूरी जिंदगी, पूरी दुनिया पड़ी है जीने और एक्सप्लोर करने के लिए। जो खुद से घर से भाग जाते हो वो या तो मजदूरी करते हैं या फिर किसी क्रिमिनल गैंग का एक मेंबर बन जाते हैं। ज्यादातर बच्चे चाइल्ड ट्रैफिकिंग या ऑर्गन ट्रेड जैसी भयानक चीजों में फंस जाते हैं और कुछ ऐसे हैवानों के हाथ लग जाते हैं जो कैनिबलिज्म करते हैं। कैनिबलिज्म इज बेसिकली द एक्ट ऑफ ह्यूमंस ईटिंग फ्लैश एंड इंटरनल ऑर्गन्स ऑफ अदर ह्यूमंस। आज हम नोएडा के एक ऐसे केस के बारे में बात करेंगे जिसको सुन के हिंदुस्तान की पूरी रूह कांप चुकी थी। निथारी पुलिस स्टेशन में 2005 में बैक टू बैक बच्चे और औरतों की मिसिंग कंप्लेंट्स रजिस्टर की जा रही थी, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ रिपोर्ट्स ये कहकर ठुकरा दी गई कि पेरेंट्स अपने बच्चों की एज कम बता रहे हैं और वो माइनर नहीं बल्कि अडल्ट्स हैं जो घर छोड़कर जा चुके हैं। कुछ रिपोर्ट्स तो इस वजह से भी ठुकरा दी गई कि वो लड़की है तो शायद घर से भाग गई होगी। 2005 में क्रिकेट खेलते वक्त सेक्टर D5 में कुछ बच्चों को पीछे बहते नाले में प्लास्टिक में एक हाथ मिला। जब पुलिस को इसके बारे में बताया गया तब पुलिस ने गांव वालों को ये बता दिया कि वो हाथ किसी इंसान का नहीं लेकिन एक जानवर का है। कुछ गांव वालों का तो ये भी मानना था कि जिस हिस्से से बच्चे गायब हो रहे थे वहाँ पे एक भूत का वास था। साथ में 2006 को 26 साल की लड़की पायल के पिता नंदलाल निथारी पुलिस स्टेशन में उसकी मिसिंग कंप्लेंट दर्ज करने आए थे। उनके हिसाब से पायल मोहिंदर सिंह पांडेर के घर ऑटो से गई थी और जब वो मोहिंदर सिंह के घर पहुंचे तब उसके गैर मौजूदगी में उसके डोमेस्टिक हेल्प सुरेंद्र कोहली ने उनसे ये कहा कि वो पायल के बारे में कुछ नहीं जानते। पुलिस इस मामले को बिल्कुल भी सीरियसली नहीं लेना चाह रही थी और नंदलाल भी बार बार पुलिस स्टेशन के चक्कर काट कर थक चुके थे। एक महीने बाद नंदलाल ने उस टाइम के SSP को अप्रोच किया और जब पायल का फोन ट्रेस किया गया तब ये पता चला दैट द लास्ट लोकेशन ऑफ हर फोन वॉज एट द हाउस ऑफ मोहिंदर सिंह पांडे। और जब SSP ने पायल की कॉल रिकॉर्ड्स मंगाए तब कहानी कुछ और ही बता रही थी। कॉल रिकॉर्ड्स आने पर ये पता चला कि पायल के मिसिंग होने के एक रात पहले सुरेंद्र कोहली और पायल के बीच फोन पर बात हुई थी, लेकिन जब नंदलाल ने सुरेंद्र कोहली को पायल के बारे में पूछा तो उसने साफ साफ इनकार कर दिया था। फॉर फर्दर इन्वेस्टिगेशन पुलिस ने सुरेंद्र कोहली को कस्टडी में ले लिया था, लेकिन बंगलों के मालिक महेंद्र सिंह पांडेर ने उसकी बेल करवा दी क्योंकि कॉल रिकॉर्ड्स के अलावा पुलिस के पास कोई भी ठोस सबूत नहीं थे। अक्टूबर में नंदलाल ने कोर्ट को अप्रोच किया और 29 दिसंबर 2006 को नोएडा के इस निथारी गांव ने जो खौफनाक दृश्य देखा वो किसी भी इंसान को डरा दे और आंखों से आंसू निकलवा दे। उस दिन सेक्टर 31 बंगलो नंबर D5 के पीछे बहते नदी में प्लास्टिक में लिपटे कई सारे स्केलेटन्स पाए गए। ये देखकर पूरा देश कांप उठा। सुरेंद्र कोहली उस दिन बंगलो पर अकेला था और उसका मालिक अपने फैमिली को मिलने चंडीगढ़ गया था। पुलिस ने दोनों को ही गिरफ्तार कर दिया। पूरे देश की ये मांग थी कि जस्टिस मिले और इतना ज्यादा प्रेशर होने के वजह से अथॉरिटीज ने इस केस को 10 जनवरी 2007 को CBI के हवाले कर दिया। स्पेशल CBI कोर्ट ने पांडेर और कोहली को CBI कस्टडी में रखने का आदेश दिया। आफ्टर बीइंग 60 डेज इन द कस्टडी इन दोनों के खिलाफ और कोई भी सबूत नहीं मिले। पांडेर की पूरी फैमिली चंडीगढ़ में रहती थी और वो अकेले अपने सर्वेंट के साथ D5 बंगलों में रहा करता था। ये भी पता चला कि कभी कभार पांडेर अपने इस घर में कॉल गर्ल्स को भी बुलाया करता। 27 फरवरी 2007 को कोहली ने खुद अपना क्राइम कन्फेस कर दिया। वार्निंग, इसके आगे जो कुछ भी कहा जाएगा वो बहुत ज्यादा डिस्टर्बिंग है। 9 फीमेल चिल्ड्रन, 4 अडल्ट वीमेन एंड 2 मेल्स। सुरेंद्र कोहली ने किसी ना किसी तरीके से इन सबको फंसा कर D5 के अंदर लेकर गया और इनका मर्डर कर दिया। बात यही खत्म नहीं होती है, ही ऑल्सो कन्फेस्ड दैट ही ट्राइड टू हैव सेक्स विद द डेड बॉडीज ऑफ हिज विक्टिम्स। सुरेंद्र ने ये भी कहा कि बाथरूम में जाकर वो उन बॉडीज को काट कर उनके टुकड़े कर देता और उन्हीं टुकड़ों को किचन में पका कर खा जाता और जो कुछ भी बचता वो उसको प्लास्टिक में रैप करके पीछे वाले नाले में फेंक देता। CBI के जांच के दौरान ये पता चला कि वहाँ के चौकी इंचार्ज सिमरनजीत कौर को मानदेर रेगुलर बेसिस पर रिश्वत दिया करता था। पुलिस और अथॉरिटीज की लापरवाही की वजह से जो लोग यहाँ बच सकते थे उनको भी अपनी जान खोनी पड़ी। गवर्नमेंट ने 2 मेंबर टीम को नोएडा भेजा और SSP, ASP,
सर्कल ऑफिसर और 3 चौकी इंचार्जेस को सस्पेंड करवाया। 2007 में मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट ने अपनी एक्सपर्ट कमेटी को निथारी भेजा टू इन्वेस्टिगेट अबाउट दिस केस। डॉक्टर विनोद कुमार, नोएडा के चीफ मेडिकल सुपरिटेंडेंट, ने ये ऑब्जर्व किया कि बॉडीज पर जो कट्स किए गए थे वो बहुत ही प्रिसाइज तरीके से किए गए, जो कि इशारा कर रहे थे ऑन ऑर्गन ट्रेडिंग। पर ऑर्गन ट्रेड की इन डेप्थ इन्वेस्टिगेशन करने के बाद भी सीबीआई को कोई भी सबूत हासिल नहीं हुआ। कोर्ट ट्रायल्स के लिए सुरेंद्र कोहली ने किसी भी लॉयर को हायर नहीं किया था, बल्कि वो खुद ही अपने केस को रिप्रेजेंट कर रहा था। 10 सितंबर 2009 को दोनों अपराधी कोहली और पांडेर को 14 साल की रिम्पा हलदार का रेप और मर्डर करने पर मौत की सजा सुनाई गई। लेकिन जहां कोहली की सजा कंफर्म हुई, वहीं पांडेर को अलाहाबाद कोर्ट ने अपराध मुक्त डिक्लेयर कर दिया और कुछ समय बाद कोहली का डेथ सेंटेंस वॉज चेंज्ड टू लाइफ सेंटेंस। 2017 में सीबीआई कोर्ट ने मोनिंदर पांडेर और सुरेंद्र कोहली दोनों को ही पिंकी सरकार के मर्डर और रेप के केस में मौत की सजा सुनाई। कोहली वॉज हेल्ड गिल्टी इन द 12th निथारी मर्डर केस ऑन 16th जैन 2021 व्हाइल पांडेर वॉज एक्विटेड। निथारी के रीसेंट स्टेटस के अनुसार कोहली को अपराध मुक्त डिक्लेयर कर दिया था इन द 13th मर्डर केस due to the lack of biological evidence. Judgments on the remaining cases are yet to be delivered. आज दोनों अपराधी दासना जेल में सलाखों के पीछे अपनी सजा काट रहे हैं। लेकिन सारे evidences strongly accuse करते कोहली को for 16 murders और उसका कोई भी connection पांडेर से नहीं है, ऐसा सीबीआई ने बताया है। पांडेर was accused of only one immoral trafficking case. लेकिन विक्टिम्स के रिलेटिव्स के एक्यूजिशन पर गाजियाबाद कोर्ट ने पांडेर को 5 और केसेस के लिए दोषी ठहराया है। पांडेर के लॉयर देवराज सिंह ने गाजियाबाद कोर्ट में ये कहा, ऑफ द 6 केसेस दैट आर पेंडिंग ओनली वन इज पेंडिंग एट द गाजियाबाद कोर्ट एंड द रिमेनिंग आर पेंडिंग टू बी अपील बिफोर द हायर कोर्ट्स। सबसे ज्यादा परेशान करने वाली बात तो ये है कि इतना सब कुछ करने के बाद भी सुरेंद्र कोहली के चेहरे पर थोड़ा सा भी पश्चाताप का गम नहीं था, वो बिल्कुल भी दुखी नहीं दिखता था। और कुछ ऑफिसर्स का जो इस केस पर काम कर रहे थे, उनका ये भी कहना है कि कोहली को देखकर ऐसा बिल्कुल नहीं लगता कि वो ऐसा कुछ काम कर सकता है। इनफैक्ट गिरफ्तार होने पर भी उसके चेहरे पर एक मुस्कान होती। अब ये सारे ट्रेट्स एक साइकोपैथ के नहीं तो और किसके हैं? कोहली ने अपने एक कन्फेशन में ये भी कहा है कि उसके मालिक रात को सेक्स वर्कर्स को लाया करते और कोहली उनके लिए और उन सेक्स वर्कर्स के लिए खाना बनाता। सीइंग ऑल दिस, इवन कोहली डेवलप्ड एन अनकंट्रोलेबल अर्ज टू हैव सेक्स और इसलिए वो D5 के बाहर बच्चों और औरतों को किसी ना किसी तरीके से D5 में लाता और उनके साथ बदसलूकी करता। ही ऑल्सो डिस्क्राइब्ड हिज अर्ज ऑफ हैविंग सेक्स विद डेड बॉडीज एज अ फीलिंग ऑफ बीइंग पोजेस्ड। अब ऐसा भी कहा जाता है कि इतने सारे विक्टिम्स में से एक विक्टिम आज भी जिंदा है और उसने अपने पिता को एक लेटर लिखा है जिसमें ये लिखा गया है कि मेरी शादी हो चुकी है और मैं नेपाल में सेटल हो चुकी हूँ। अब जब वो लेटर पुलिस के पास पहुंचा तो इस पूरे मामले को सप्रेस कर दिया गया। अब ये सच है या झूठ है, इसका जवाब शायद किसी को नहीं पता। 2005 और 6 के बीच निथारी और उसके आसपास के एरिया से कुल 50 बच्चे गायब हुए थे, जिनमें से सिर्फ 16 डेड बॉडीज मिली है, जिसके दोषी कोहली थे। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि बचे हुए गुमनाम बच्चे आखिर है कहाँ? 2014 में सुरेंद्र की मॉम, जो 68 इयर्स की है, वो उत्तराखंड से मीरठ जेल में उसको मिलने आई। जब ये 45 मिनट्स की मीटिंग खत्म हुई, तब सुरेंद्र की मॉम ने रिपोर्टर से ये कहा कि सुरेंद्र कैनॉट कमिट एनी क्राइम। सुरेंद्र ने उनको ये बताया कि वो बस एक बलि का बकरा बन रहा था सारे बड़े लोगों के बीच में, और उसकी मॉम का ये कहना था कि अगर पांडेर को कैपिटल पनिशमेंट नहीं मिल रही है तो सुरेंद्र को भी नहीं मिलनी चाहिए, एंड इफ सुरेंद्र इज हैंग्ड इवन पांडेर शुड बी हैंग्ड। एक नॉर्मल ह्यूमन डेड बॉडी को डीकम्पोज होने के लिए लगभग 3 साल लगते हैं, तो अगर कोहली ने अपने सारे विक्टिम्स को पीछे वाले शैलो नाले में डाला है, देन व्हाई कुड नॉट एनी ऑफ द नेबर गेट द फाउल स्मेल ऑफ द बॉडी। ऐसे ही कई सारे लूपहोल्स आज भी इस केस पर है। इनफैक्ट बीबीसी और नेटफ्लिक्स दोनों ने एक डॉक्यूमेंट्री भी बनाई है अबाउट दिस पर्टिकुलर केस, जिसके अंदर क्रिएटर्स ने पांडेर को इनोसेंट पोर्ट्रे किया है। तो निथारी के इस दिल दहला देने वाले कांड को आज 17 साल हो चुके हैं, लेकिन फिर भी इसमें कई सारे ऐसे केसेस हैं जो आज भी सॉल्व नहीं हुए। आज भी भारत में कई सारे बच्चे मिसिंग हो रहे हैं एंड वी आर नॉट एबल टू ट्रेस देम। सो लेट अस नो इन द कमेंट्स कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, एंड इफ यू वांट टू वॉच मोर सच वीडियोस देन डू नॉट फॉरगेट टू हिट ऑन द सब्सक्राइब बटन एंड लाइक।